कि चलो आज आपने राजू भाई और रोशन भाई का थोड़ा सा इंटरव्यू ले लेते हैं ना, उनके जबानी थोड़े से शायरी उशारी हो जाए तो हमारी ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? आप कोई शेर वगैरह सुनाएंगे हमारी ऑडियंस को जो उनको खुश करेंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे उनको? बिल्कुल बिल्कुल अंकुश जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारे लिए कीमती वक्त निकाल के हमारे एक शायर व शायरी सुनने का कहने का अंदाज़ और हमारे तक हमारी जो आवाज़ है वो आवाम तक पहुँचाएँ, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हाँ, ये हरे भरे फूल, इनको ये सरसों के फूल हैं। अच्छा, सरसों के फूल हैं। हाँ हाँ, ये तो ये वाले तो एक ही बार सरसों उगती है ना ये? हाँ, ये एक ही बार उगती है यहाँ पे। तो ये मतलब के बर्फ जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद? हाँ, नहीं तो बर्फ के साथ दब जाती है यार, बर्फ के नीचे दब जाती है। ये जब बर्फ पड़ती है पहाड़ी, पहाड़ी बहुत सारी अच्छी होती है ये, इसको खाने में भी बहुत मजा आता है। तो कैसे खाते हैं इसको, थोड़ा बताइए अपनी ऑडियंस को जिन्होंने इसको पहले चूमते हैं। इसके साथ जो पत्ते होते हैं ना, आपको दिखाते हैं यार, आपको हम दिखाते हैं ये जो है ऐसे करके। अच्छा, पत्र 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 ये पत्र, हाँ पत्र जी, ये शाग बन तो अभी अभी तो ये मुझे लगता है कड़वे हो गए हैं ना? नहीं नहीं, बहुत मीठे हैं अभी भी, अभी मीठे अभी भी सुरूर देते हैं ये, सुरूर देते हैं। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैंने बहुत खाए। इसके साथ एक और भी होती है ना हमारी लस्सी। अच्छा, लस्सी, इसके साथ मक्की की रोटी और मक्के की रोटी। अच्छा, सरसों का साग, मक्के की रोटी। हाँ। जी जी, और साथ में और लस्सी, लस्सी का गिलास हो तो मजा आ जाता है। पड़ जाती है ठंड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बनी का खाना है, ये मशहूर है हमारे बनी वैली का जो खाना है ये। हाँ। सबसे मशहूर आइटम है जो कि अभी सीजन इस टाइम अभी तो खत्म हो रही है, बट अच्छा खत्म हो रही है अभी तो, मसा 10% बची है देख लो। अच्छा, 10% बची है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके बाद तो ये फूल, ये इसकी और भी फिर तेल निकलेगा ना इससे, इसका तेल निकलेगा। हाँ हाँ, फूल लगे इसको इससे ना, इसका तेल निकलेगा अभी, ये पकेगी। अच्छा अच्छा, इसके जो अभी ये देख ही रहे जो बड़े छोटे छोटे बाल होते है ना। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, वो बड़े हो जाते हैं जैसे डैंड्रफ होता है बालू में, खत्म। हाँ, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये हमारी एक हिसाब से तो जड़ी बूटी होगी ना पहाड़ी। हाँ, देसी दवाई है ना। अच्छा, देसी दवाई। बिल्कुल बिल्कुल, चलो तब तो कोई बात। अच्छा, अपने ऑडियंस को आप कोई शेर और शायरी सुना दीजिए एक थोड़ी सी, तो हमारी ऑडियंस भी खुश हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ऑडियंस को हम खुश करेंगे। जी जी, पीते थे हम जिसके साथ वो साखी बड़ा हसी था, आधी करके जालिम ने मैं खाना बदल दिया। इतने दिन कहाँ थे आप? इतने दिन कहाँ सोए थे आप? मतलब के ये आप लोगों ने ये फोर्स किया, ये आपका हुनर हमने आज देखा है ये। हाँ। आज के बाद तो ये वीडियो तो बनती है भाई, आज के बाद बिल्कुल बिल्कुल आज आएगा, आपको तो शेर सुनाने पड़ेंगे, ये इतने अच्छे शेर हैं ये। तो कोई एक आधा और हो जाइए प्लीज राजू भाई, हमारे कहने पर, रोशन भाई के कहने पर एक शेर आपको और सुनाऊंगा थोड़ा। बिल्कुल, एक शेर और सुनाएंगे हम आपको। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, गिरना भी अच्छा है, गिरना भी पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। पढ़ते हैं जहाँ हाथ उठाने को, पढ़ते हैं जहाँ हाथ उठाने को, तब जाके अपनों का पता चलता है। वाह वाह वाह, जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग अक्सर सच्चे होते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग अक्सर सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है राजीव भाई, आपने तो दिल को खुश कर दिया। हम दिल को खुश करेंगे, ये अभी पूरा शेर नहीं हुआ है, अभी आधा शेर हुआ है, इसके आगे हम आपको फिर से पूरा करके बताते हैं इसको जरा। जी जी, हमारे ऑडियंस को फायदा क्या जब हम पूरा ना सुना सके तो। सीख रहा हूँ, जी जी सीख रहा हूँ, इंसानों को पढ़ने का हुनर। वाह वाह, सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है।
अब इतना हम ज्यादा शायर तो है नहीं जी, मगर टूटी फूटी आपने फोर्स किया तो इतना हमने सुना दी। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, अभी आपको मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ अपने रोशन भाई से। तो इससे पहले आपने सुना था अपने ये राजू भाई को, तो राजू भाई की शायरी शायरी सुन के तो दिल तो खुश हो गया। तो अभी सुनेंगे अपना ये रोशन भाई है ना, ये मेरा लंगोटिया यार था पहले से बचपन से। तो क्या है कि हमने कई चीज़ें जो हैं इकट्ठे की हैं, तो इकट्ठे कोई कहाँ जाना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो क्या बोलना है आप, कैसी कैसी बातें। तो क्या जब हम बचपन के दिनों में जब 8th 9th में क्या होता था कि मेरे पास एक भेड़ होती थी, इसके पास कितनी 8-10 भेड़े होती थी। तो हम तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ भेड़े चुगाने चले जाते थे कहाँ भाई, सोना के नाले में, सोन नाले में। तो कैसा कैसा हम मजा लेते थे, तो मतलब कि एक तरह का इंटरटेन होते थे हम, ठीक है, बहुत लुत्फ उठाते थे हम। तो कुछ यादें ताज़ा, आज पुरानी यादें जो हैं ताज़ा करना चाहते हैं हम। तो रोशन के ज़बानी सुनेंगे आज कुछ अपने बीते हुए मतलब कि दिनों की कहानियाँ, तो कुछ गाने जो हम गाया करते थे उन दिनों में। तो रोशन जी सुनाइए थोड़ा, आज बड़े दिनों के बाद आप मिले हो आप हमें, तो कुछ गाना ही हो जाए। ये हमारे रोशन भाई हैं, अब हम इनसे पूछेंगे कि हमने जो शेर सुनाए कैसा लगा। रोशन भाई आपको कैसा लगा जो हमने अभी शेर सुनाया आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यार, मैंने पहली बार ये शेर सुना और बढ़िया था आपका शेर। आगे भी तो आप ऐसे ऐसे शेर सुनाते रहें हमें और लोगों को, सभी लोगों को जो भी इधर के हैं बाहर तो के हैं, उनको सभी को सुनाओ आप। बढ़िया शेर आप सुनने में आया कि आप पहले गाने बहुत अच्छे गाते थे हैं? यार वो पहले गाते थे ना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जब छोटे से थे हम 5-6 साल के, हाँ, उस टाइम गाते थे हम। तो चलो हो जाए आज कोई गाना हो जाए इस खुशी में आपको। बिल्कुल गाना बिल्कुल सोचते हैं, कोई उतना सही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, मजा आना चाहिए बस। ओ मत करो प्यार सजनों, प्यार हुंदी गमारी निशानी, ओ मत करो प्यार सजनों, ओ प्यार हुंदी गमारी निशानी। मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ।